दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर कंपटीशन में इसमें से दो नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर लो चाहे इसमें से दो नंबर का क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, कॉपी में क्या पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, हर बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये, कॉपी में क्या पाया जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केफी नामक पायोडीन पाया जाता है दोस्तों पहले कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों, साथ साथ में नोट करते जाइए ताकि बार बार इनको देखना ना पड़े। तो इसमें से दो नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए जल्दी पूरा वीडियो देखे दोस्तों। दूध का पीएच मान 6.6 हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। आग बुझाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसके द्वारा आग को बुझाया जाता है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो साथ साथ में नोट करते जाइए। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 51 में दोस्तों। छठवां क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें और साथ साथ में नोट करते जाइए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की दोस्तों। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद से वर्णित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, साथ साथ में नोट करते जाइए दोस्तों, बार बार ना बोलना पड़े। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 में, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 99 में की गई है दोस्तों। नौवां क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के किस अध्ययन में वर्णित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। नौ का करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ दोस्तों, चतुर्थ अध्याय में वर्णित है दोस्तों। दसवां क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में इसको नोट कर लिए। राज्य के नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 से 51 तक के अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।